first, I just want to let you know that Pansare Saab's wife is here with us today. Okay. Okay, she had to leave for, to catch a flight. So, Amit Barua, please come. दोस्तों आज काफ़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ रहा है कि जिस तरह से गौरी लंकेश की हत्या की गई मुझे लगता है कि तीस साल की पत्रकारिता के में जिस तरह की घटना हुई है मुझे तो नहीं लगता कि आज तक इस तरह से मतलब हमको ये मालूम है कि पत्रकारों पे हमले होते हैं बाहर छोटे शहरों में लोगों के साथ हमले होते हैं अटैक्स होते हैं केस लगते हैं हैरेसमेंट होता है लेकिन इस तरह से कातिलाना हमला करना मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये बहुत ही बड़ा धब्बा है और मुझे लगता है काफ़ी स्पीकर्स ने इसके बारे में जिक्र किया है कि जिस तरह का माहौल देश में खड़ा किया जा रहा है और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है मुझे लगता है कि एक दिस इज़ अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी टू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट एंड आई एम ओनली नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज दैट यू कांट गेट परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज टू होल्ड अ मीटिंग यू कांट शो अ फिल्म इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री यू आर बीइंग डिनाइड द राइट्स एज स्टूडेंट्स टू डू समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल मुझे लगता है कि ये जो माहौल इस देश में बनाया जा रहा है और ये हम देख रहे हैं ये हमारे आंखों के सामने पिछले तीन साल में जो हो रहा है वी आर ऑल वॉचिंग इट एंड गौरी लंकेश वॉज अ पर्सन हु वॉज जस्ट नॉट वॉचिंग शी वॉज राइटिंग शी वॉज क्रिटिकिंग एंड शी वॉज सेइंग इट लाइक इट इज शी वॉज टेलिंग ट्रूथ टू पावर एंड दैट इज वॉट डिस्टर्ब पीपल और उसी की वजह से उनकी हत्या की गई है कई लोग कई बातें कही जा रही हैं कि उनकी हत्या के पीछे कौन हो सकता है मेरा यह मानना है कि दोज हु आर सेलिब्रेटिंग हर डेथ द पुलिस मस्ट इंक्वायर फ्रॉम दीज पीपल दैट व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग हर डेथ दीज आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट एंड एज अ प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट फॉर 30 ईयर्स लेट मी से इन नो अनसर्टन टर्म्स that I sometimes wonder whether I am in the same profession as many other people. When I see our television channels, when I see the garbage that is being peddled in the name of journalism, it makes me hang my head with shame. There is not much else, you know, friends, to say. Kyunki jo hum dekh rahe hain apne samne, the way, the insidious manner in which issues are being created, prime time issues are being manufactured, ye hum sab logon ke samne. So, आई थिंक द रियल ट्रिब्यूट जो गौरी की मेमोरी में हम लोग कर सकते हैं जो हम पत्रकार हैं छात्र हैं जहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं लेट अस आस्क द क्वेश्चंस मोर लेट अस रीडेडिकेट आवरसेल्व्स टू आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ पीपल लेट अस आस्क देम दैट व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इन आर कंट्री एंड वी नो टुडे एन इंस्टीट्यूशन लाइक द JNU इन विच प्रोबेबली मोस्ट एमिनेंट पीपल हैव नॉट ओनली स्टडीड बट हैव बीन वाइस चांसलर्स We are seeing what is happening to the institutions in our country. It is evident, it is apparent. मेरा यह मानना है कि जिस तरह से पत्रकारिता के ऊपर हमला हुआ है गौरी की मौत हुई है गौरी का कत्ल किया गया है ये जो फोर्सेस हैं ये नए नहीं हैं इस देश में ये पुराने हैं लेकिन इनको शय मिली है इनको ताकत मिली है इनको सत्ता मिली है और इसी की वजह से जिस तरह से एक माहौल खड़ा किया है इसमें कई चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो राम रहीम साहब हैं उनको VIP लिस्ट एयरपोर्ट में किस सरकार ने डाला दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क किस पार्टी के मंत्री उनसे मिलते रहे हैं ये जो बाबा कल्चर एनकरेज किया जा रहा है इस देश में दिस काइंड ऑफ इरेशनैलिटी दैट इज बीइंग एनकरेज ऑल दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरमेंट इन द कंट्री इन विच So I'm sorry to say this, anything is possible. You may be going in a metro, you may be traveling in a bus, कुछ भी आप कर रहे हैं आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपकी दाढ़ी है या आपकी दाढ़ी नहीं है
आपकी टोपी है या आपकी टोपी नहीं है. सो दैट इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग फ्रेंड्स. एंड आई थिंक दैट द स्टेट ऑफ आवर जर्नलिज्म डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एनवायरनमेंट. आई थिंक दैट इट्स नो लॉन्गर अबाउट स्टेट रन चैनल्स, यू नो, द प्रोपेगेंडा दैट दे पेडल आउट. At the best of times, they are quite inefficient in their propaganda. But we have to deal with a new breed of television channels, you know, who are being fed on a daily basis, who are being told to manufacture issues, and I'm afraid it seems to be working, because the same arguments that are being peddled on television, we often hear in our communities, in our societies, in our discussions. So I'm going to end here, and I'm only going to say that जो गौरी के साथ हुआ वो कन्नड़ जबान में लिखती थी, वो एक महिला थी, इसी वजह से उनके ऊपर नज़र ज़्यादा थी, क्योंकि शी वॉज इफेक्टिव. जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं शायद उनके ऊपर दबाव कम होगा, उनके ऊपर प्रेशर कम होगा. ये ज़रूरी नहीं है कि ना हो, लेकिन दोज हु राइट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दे आर अल्टीमेटली मोर एट रिस्क. सो ऑल दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट आई होप एंड प्रे दैट गौरी लंकेश पत्रिका कंटिन्यूज इन इट्स वर्क. I hope and pray that more and more people read her writings. That is the only tribute possible, that in our work, whether we are journalists, whether we are students, whether we are teachers, whether we are writers, we keep questioning, we keep writing, and we keep putting pressure on authority. I think that is the tribute to her, to ask the questions and to keep the pressure going on authority. आखिर में मैं दो पंक्तियां साहिल उद्यानवी की एक कविता से पढ़ना चाहूँगा. धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं. सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू था कौन मरा. Oh.